नमस्कार, मैं हूं संदीप। आज हम बात करने वाले हैं जियो फिक्स लैंडलाइन नंबर की। क्या आपको पता है कि आप अपने स्मार्टफोन से भी जियो फिक्स लैंडलाइन नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं? इन सारी चीजों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो जरूरी बातें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिख रहे बेल आइकन पर भी टैप कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब जियो ब्रॉडबैंड को लॉन्च किया गया था तो उस दौरान दो बातें कही गई थी कि यूजर्स जल्द ही ब्रॉडबैंड का मजा तो लेंगे ही, साथ में फिक्स लैंडलाइन भी आएगा और सेट टॉप बॉक्स भी होगा। तो सेट टॉप बॉक्स की डिटेलिंग तो जियो की एनुअल जनरल मीटिंग में कर दी गई और साथ में फिक्स लैंडलाइन को भी लॉन्च कर दिया गया। जियो फाइबर कमर्शियली 5 सितंबर से उपलब्ध होगा, साथ में लैंडलाइन नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि हम सिर्फ आपसे डेटा का पैसा लेंगे, यानी लैंडलाइन के जरिए मुफ्त वॉइस कॉल की सेवा हमेशा जारी रहेगी। जियो फाइबर की बीटा टेस्टिंग करीब साल भर पहले ही शुरू हो गई थी, तो इसका मतलब है कि आज की तारीख में मार्केट में कई ऐसे यूजर्स हैं जो जियो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जब कमर्शियली ये लॉन्च हो जाएगा तो कई नए यूजर्स इससे जुड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में फिक्स लैंडलाइन कैसे काम करेगा, फिक्स लैंडलाइन कैसे एक्टिव होगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो लोग पहले से जियो फाइबर कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको माई जियो ऐप पर जाना है। माई जियो ऐप में आपको रिचार्ज सेक्शन में जाना है। आप रिचार्ज सेक्शन में जैसे ही टैप करेंगे एक पॉपअप विंडो खुलता है जिस पर लिखा होता है कि फिक्स लैंडलाइन नंबर आपके कनेक्शन के लिए अवेलेबल है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां पर रजिस्ट्रेशन का वही प्रोसेस है, ओटीपी, जैसे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है और ओटीपी डालते ही आपको एक फिक्स लैंडलाइन नंबर मिल जाता है। आप जैसे इस प्रोसेस को दोहराएंगे आप अपने मोबाइल फोन में माई जियो ऐप में, आपको एक फिक्स लैंडलाइन नंबर SMS के जरिए भी मिल जाएगा और माई जियो ऐप के पेज पर भी आ जाएगा। इस तरह से आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे जियो फिक्स लैंडलाइन नंबर एक्टिव हो जाएगा। जियो फाइबर के नए यूजर्स के लिए प्रोसेस बेहद ही सिंपल है। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त ने नया कनेक्शन लिया, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ जो फिक्स लैंडलाइन नंबर होता है वो पहले से एक्टिव होता है, यानी आपको माई जियो ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाने वाला पूरा प्रोसेस नहीं दोहराना है। यानी आप पहले से ही आपको एक लैंडलाइन नंबर अलॉट हो जाएगा, जैसे ही आपको एक कनेक्शन नंबर मिलता है साथ में एक लैंडलाइन नंबर भी मिल जाएगा। जियो फाइबर के कनेक्शन में आपको जियो का एक हब मिलता है जो घर में वाईफाई कनेक्शन बनाता है। कंपनी की ओर से कोई एक फिक्स्ड लैंडलाइन फोन नहीं दिया जाएगा आपको, यह आपको अपनी तरफ से रखना होगा। कंपनी का कहना है कि हम आपको एक पोर्ट दे रहे हैं, वो जो जियो हब होता है उसके पिछले हिस्से पे वो लैंडलाइन का पोर्ट है, उस पोर्ट में आप अपना फोन कनेक्ट कर लें और लैंडलाइन नंबर काम करने लगता है। यानी आपको लैंडलाइन फोन के लिए खुद पैसे खर्चने होंगे। जियो फिक्स लैंडलाइन कनेक्शन किसी आम फिक्स लैंडलाइन कनेक्शन जैसा नहीं है। इसमें एक शानदार सुविधा है, वो है आप अपने स्मार्टफोन से फिक्स लैंडलाइन नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव होता है, तो बहुत सिंपल है। जियो का एक पुराना ऐप है जियो 4G वॉइस ऐप। आपको याद ही होगा कि जब जियो ने अपना सिम लॉन्च किया था तो जियो 4G वॉइस ऐप को भी साथ में पेश किया था। दरअसल ये ऐप के जरिए आपको HD वॉइस कॉल करने में मदद मिलती थी। ये उन फोन के लिए था जिन फोन में 4G वोल्टेज नहीं मौजूद था। इसी ऐप को अब फिक्स लैंडलाइन नंबर से जोड़ दिया गया है और इसी दौरान इस ऐप का नाम भी बदल गया है। अब इसे जियो कॉल ऐप के नाम से जाना जाएगा। जियो कॉल ऐप को आप तीन तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक आप उसके जियो सिम के जरिए कर सकते हैं, एक जियो फाइव डिवाइस के जरिए और तीसरा जियो फाइबर कनेक्शन के जरिए। फिक्स लैंडलाइन वाली सुविधा तभी काम करेगी जब आप अपने जियो कॉल ऐप को जियो फाइबर कनेक्शन के साथ रजिस्टर करते हैं। प्रोसेस बेहद ही सिंपल है, चाहे आप अपना iOS फोन या फिर एंड्रॉयड फोन पे जियो कॉल ऐप को डाउनलोड कर लें। जियो कॉल ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे खोलेंगे इसके बाद फाइनल सेटअप वाला पेज आ जाता है, जहां पे आपको तीन विकल्प नजर आएंगे। आप जैसे ही जियो फाइबर कनेक्शन के जरिए रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ये वही नंबर है जिसका इस्तेमाल आपने जियो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए किया है। अब जो आपको OTP मिला है उसे इस्तेमाल करके अपने फोन पे जियो कॉल को रजिस्टर कर दें। अब आप जैसे ही जियो कॉल ऐप खोलेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट आपको नजर आएंगे। आप उसमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को चुन लें। वहां पर जैसे ही उस कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं आपको दो आइकन नजर आएंगे, जियो फिक्स्ड लैंडलाइन कॉल, जियो फिक्स्ड वीडियो कॉल। आप जैसे ही जियो फिक्स्ड कॉल के जरिए कॉल करेंगे उस शख्स को एक कॉल जाएगा और उसके फोन पे वो लैंडलाइन नंबर दिखेगा, ना कि आपके मोबाइल का नंबर। जहां तक बात रही वीडियो कॉल की, तो हमारी टेस्टिंग में ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि जियो कॉल के प्ले स्टोर पेज पे लिखा है कि लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जियो फाइबर कनेक्शन में आपको कोई लैंडलाइन फोन नहीं मिलने वाला, यह आपको खुद खरीदना होगा।
कंपनी का कहना है कि जियो कॉल ऐप के जरिए लैंडलाइन कॉल तो होंगे ही, वीडियो कॉल भी संभव होगा। ध्यान रहे कि आप अपने स्मार्टफोन से फिक्स लैंडलाइन वाला कॉल तब तक ही कर पाएंगे जब तक आप उस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। आप जैसे ही उस इंटरनेट कनेक्टिविटी से बाहर चले जाएंगे, आप फिक्स लैंडलाइन नंबर से कॉल नहीं कर सकते। रिलायंस जियो ने पहले ही कहा है कि आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी इंटरनेट के पैसे देने हैं। वॉइस कॉल की सुविधा फ्री होगी। जियो कॉल के प्ले स्टोर पेज पर लिखा है कि आप अपने स्मार्टफोन से सिर्फ फिक्स लैंडलाइन नंबर वाला कॉल ही नहीं कर सकते, आप रिसीव भी कर पाएंगे। तो ये जानकारी थी जियो फिक्स लैंडलाइन कनेक्शन की। जियो सेट टॉप बॉक्स में क्या होगा, इसके बारे में हम जल्द ही नया वीडियो लाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।